हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर विकास आनंद जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन कल्याण हॉस्पिटल आज आपसे मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा कि जो मुझे ऐसा लगता है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो आज नहीं तो कल किसी न किसी टाइम किसी न किसी एज ग्रुप में हर पेशेंट को होनी है या हर बंदे को होनी है एंड दैट इज़ ऑस्टियोर्थैटिस ऑफ द नी जॉइंट Specifically, I have decided knee joint, क्योंकि जो नी जॉइंट है हमारा घुटना जिसे हम घुटना बोलते हैं वो एक ऐसी चीज है जो कि हमारी पूरी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दो घुटने होते हैं तो हमारी बॉडी का जो पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो आधा वेट एक घुटना और आधा वेट दूसरा घुटना लेता है तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे दोनों घुटने ठीक हैं तो हम अच्छे से चल पा रहे हैं हमारी वॉकिंग हमारा वॉकिंग स्टाइल हमारा सारा कुछ जो है हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से चलती है बट अगर कोई प्रॉब्लम हो गई जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑस्टोआर्थेटिस कॉमन नी प्रॉब्लम जो सबको होनी है यह सबको होती है एक एज के अंदर में उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या उसके कुछ ऐसे मिथ्स कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हम इस छोटे से शॉर्ट प्रोफेशनल वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कुछ एजुकेशन मिल सके और आप उससे कुछ फायदा उठा सकें तो ऑस्ट्रोआर्थैटिस दोस्तों क्या है ऑस्ट्रोआर्थैटिस एक ऐसी बीमारी है ऑस्ट्रोमीन्स बोन आर्थाटिस मीन्स इन्फ्लमेशन हमारे घुटने के अंदर में बेसिकली इन्फ्लामेशन जो है वो एक मिजनोमर है घुटने में इन्फ्लामेशन नहीं होती बट यस घुटने की ग्रीस खत्म हो जाने की वजह से एक स्टेज के अंदर में या हम देसी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि घुटने में ओवरवर्क के कारण जैसे सपोज करिए कि हमने बहुत ज़्यादा हमारा एज हो गया काम करते हैं तो ग्रीस खत्म हो जाती है तो दोनों हड्डियां जो एक थाई की हड्डी होती है और लेग की हड्डी होती है वो आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती हैं इस बीमारी के टोटल चार स्टेजेस होते हैं स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज फोर नॉर्मली हमारे पास में पेशेंट्स जो आते हैं ओल्ड एज में वो ज्यादातर या तो स्टेज थ्री में होते हैं या स्टेज फोर में होते हैं अर्ली ऑस्टिथेटिस जो होता है वो बहुत मुश्किल है पहचाना बट यस कुछ यंग पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं तो हम उनका एक्सरे करके लोकल टेंडरनेस हम उनकी एलिसिट करके या कुछ एग्जामिनेशन करके हम ये पता करा सकते हैं कि जो उनका घुटने का पेन है वो ऑस्ट्रोआर्थेटिस के डेवलप होने की वजह से हो रहा है तो ग्रेड वन और ग्रेड टू के अंदर में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ग्रेड वन ग्रेड टू के अंदर में हमारी जो ट्रीटमेंट पार्ट है बहुत सिंपल है हम पेशेंट्स को कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं और हम पेशेंट्स को कहते हैं कि कुछ चीज़ें अवॉइड करें अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको जनरली अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर के अंदर में जाने से रुक जाए या अगर हम पहुंच रहे हैं तो हम थोड़ा सा टाइम लें जैसे कि ग्रेड वन है ग्रेड वन और ग्रेड टू के पेशेंट्स जब हमारे पास में आते हैं तो मैं सबसे पहले उनको ये चीज बताता हूं कि एटलीस्ट अवॉइड क्रॉस लेग पोजिशन चौंकड़ी मारना छोड़ दें चौंकड़ी मारने का मतलब ये नहीं कि आप अब कभी लाइफ में चौंकड़ी नहीं मार पाएंगे बट यस अभी आपको प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम तक आप चौंकड़ी मारना छोड़ दें पैरों के बाहर बैठना छोड़ दें जैसे हम कहते हैं इंडियन स्क्वाटिंग पोजिशन जैसे हम इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं ये दो पोजिशन ऐसी हैं जिसमें हमारा घुटने का जो प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है तो अगर हम ये काम कर रहे हैं आज की डेट के अंदर में यू नो दैट की इज डूइंग योगा योगा कर रहे हैं अच्छा है बट योगा के अंदर में भी आपकी बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइज सही है कौन सी एक्सरसाइज सा, एक्सरसाइज सही नहीं है वो आपको पता करना बहुत जरूरी है लाइक अगर आप चौकड़ी मार के कोई योगा कर रहे हैं और आपको नी जॉइंट का पेन है ऑस्टिथिज है तो इट इज नॉट गुड फॉर यू आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी और आपको सिंपल वॉकिंग 25 मिनट सुबह 20 मिनट सुबह 25 बीस मिनट शाम को इट इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर योर हेल्थ तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अक्सर अपने मरीजों को बोलता हूँ कि चौंकड़ी मारना पैरों घर बैठना और अगर आप कोई योगा वगैरह करते हैं चौंकड़ी मारने वाला तो आप उसको अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए और उसके बाद फिर जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप उसको धीरे धीरे करके अपने लाइफ में रिज्यूम कर सकते हैं तो इससे ये होता है कि हम अपने आगे की स्टेज को थोड़ा सा डिले कर देते हैं ऐसा नहीं कह सकते कि वो स्टेज आपको नहीं आएगी बहुत पेशेंट आते हैं अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे को कोई ऐसी ट्रीटमेंट बताओ कि मेरे घुटने खराब ही ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है आपकी एक्टिविटी आपकी बॉडी का वेट ये सब चीजें डिसाइड करता है कि आपको ऑस्ट्रोआर्थिस कब आना है कितने दिन लगेंगे उसको आने में और वो आएगा कि नहीं आएगा तो इट तो इज तो वेरी डिफिकल्ट टू तो से कि ऑस्ट्रोआर्थिस आपको होना है कि नहीं होना बट इट्स एज रिलेटेड डिसीज आज नहीं तो कल आपको होना है एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए कि कई यंग लोग भी हमारे पास में आते हैं जिनके घुटने जल्दी खराब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमको उनके लिए फिर कोई और कॉज ढूंढना पड़ता है जैसे कि सबसे कॉमनेस्ट कॉज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है गठिया गठीए के मरीजों को अक्सर घुटने चूल्हा और काफी जोड़ जल्दी खराब हो जाते हैं तो उनको जो स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन है वो बहुत जल्दी होती है जो स्टेज वन में आज था दो महीने बाद स्टेज टू में दो महीने बाद स्टेज थ्री में फिर स्टेज फोर में वो बहुत जल्दी लैंड अप कर जाते हैं अगर उनकी गठिए की दवाई ठीक नहीं चली या उन्होंने अपने टेस्ट करा के गठिया नहीं जांच करवाया तो वो वाले मरीज की जो प्रोग्रेशन है स्टेजेस की वो बहुत जल्दी जल्दी होती है तो ये एक डिफरेंस है जो कि आप शायद आप घर बैठे नहीं समझ पाएंगे बट हाँ अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आपको आपके अपना चेकअप और सारे टेस्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं अर्ली स्टेज के गठिए के बहुत जरूरी है ताकि अपने जोड़ को बचा सकें ताकि अपने जोड़ को आप इंजॉय कर सकें अपने जोड़ को आप अपने मैक्सिमम लाइफ के लेके जा सकें तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपसे करी कि स्टेज वन से स्टेज टू से स्टेज थ्री तक पहुंचने का जो आपका सफर है उसको आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं मैं नहीं कह रहा कि आप रुक जाएंगे बट डिले कर सकते हैं यस yes. उसके बाद में हम हमारे स्टेज थ्री पे स्टेज थ्री के अंदर में पेशेंट को पेन ऑलमोस्ट हमेशा रहता है घुटने के अंदर में चलने फिरने में घुटना मोड़ने में ज़्यादातर पेन रहता है दवाइयाँ भी कई बार असर नहीं करती हैं तो इस स्टेज के अंदर में हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी एक्सरसाइज जारी रखिए जो प्रिकॉशंस बताइए वो जारी रखिए और एक तीसरी चीज़ हमने पेशेंट्स को एक ऐड कर देते हैं जो कि मैं कई पेशेंट्स को बोलता हूँ कि गोलियाँ दवाइयों से बेटर है कि आप घुटने में इंजेक्शन लगवा लीजिए या कोई ग्रीस का इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं जो आपको कुछ टाइम आराम से पास कर देता है आप अपनी डेली एक्टिविटी के अंदर में आप आराम से आ सकते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट लगवाए बट एक ऑप्शन है जो कि सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट के बीच का हिस्सा होता है कि अगर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी से अगर आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा है तो आप बीच की एक रास्ता होता है घुटने का इंजेक्शन जिसको आप आराम से ले सकते हैं और एटलीस्ट छः महीने एक साल तक अपनी आप लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं बिना कोई गोली खाए कभी कभी जरूरत पड़े तो एक पेन खा ली दैट्स इट बट अगर आपकी स्टेज फोर आ गई है अगर आपके एक्सरे में आपको डॉक्टर बोलता है कि आपकी स्टेज फोर आ चुकी है ऐसा नहीं है कि स्टेज फोर आती है आपका ऑपरेशन हो जाएगा बहुत मरीज मेरे पास में आते हैं सर मेरे घुटने में दर्द हो रहा है एक्सरे कराते हैं स्टेज फोर आ गई है बट हम उसको एनालाइज करते हैं कि वो सर्जरी वाली स्टेज पे पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका है बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो सही स्टेज पे सर्जरी नहीं कराते हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो वेट एंड वॉश करना चाहते हैं कुछ पेशेंट्स हैं जो वेट रिडक्शन करके और एक्सरसाइज करके अपनी उस स्टेज को भी पार कर जाते हैं तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम अपने आप को अगर स्टेज फोर में जाने से रोक लें तो हम सर्जरी से बच सकते हैं बट अगर आपका घुटना बहुत डैमेज हो गया है लाते टेढ़ी हो गई हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी दोनों घुटने टेढ़े होने हो जाने के बाद में लाते टेढ़े हो जाने के बाद में आपकी चाल भी खराब हो गई है आपके एंकल में भी दर्द शुरू हो गया आपके बैक में भी दर्द शुरू हो गया है तो दैट इज लिटिल बिट डेंजरस तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि अब आप अपने रिप्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं और अगर आप नहीं जाएंगे तो अपने बाकी जोड़ों को भी खराब कर सकते हैं मेरे पास में बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनका सही टाइम पे सही एज में अगर रिप्लेसमेंट हो जाता है तो दे आर हैप्पी मेरे पास ऐसे भी मरीज हैं जिनके हमने सही टाइम पे सर्जरी करी है तो दे आर रनिंग दे आर डांसिंग दे आर डूइंग एवरीथिंग दे आर डूइंग एनीथिंग सो द पॉइंट इज इन व्हाट स्टेज यू आर कमिंग टू अस एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू आर टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रियटिस को हम रोक नहीं सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं सो विद दिस नोट आई जस्ट वॉन्ट टू से टू द व्यूअर्स कि जस्ट डोंट टेक मेडिसिन एट होम कि बस हमने मालिश करा ली एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कई लोग आते हैं कि सर हमने मालिश करवा ली यहां से हमने मालिश करवा ली वहां से बहुत कुछ फायदा नहीं है थोड़ा सा लोकल रिलीफ मिलता है उससे बट सही टाइम पे सही इलाज होना बहुत जरूरी है जो कि आपको आगे की स्टेजेस में जाने से रोकेगा और आपको बचा पाएगा सर जी से अगर आप अपने आप को सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज के बीच में मेंटेन कर लेते हैं थैंक यू फ्रेंड्स इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट मोर मिथ्स जो कि जॉइंट्स के बारे में आपको हम क्लियर कर पाएंगे कि अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे आस कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं कल्याण हॉस्पिटल वी आर ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चन इफ एनी थिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स लॉट